मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? क्या सोच रहे हो? तुमने अपने जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी? तुम जो कार्य कर रहे हो वो काफी है तुम्हारे जीवन के लिए? या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं? लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा जन्म श्रेष्ठ है। तुम एक शरीर मात्र नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा भी है। तुम्हें मैंने बनाया है और उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तुम इस संसार में केवल अपनी जीविका चलाने के लिए नहीं आए हो। अब तक तुमने अपने परिवार के लिए जो भी किया है वो बस एक भाग है तुम्हारे जीवन का। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय अब शुरू हो रहा है। थोड़ा अध्यात्म से मन लगाओ, थोड़ा मेरी भक्ति करो। मैं जो राह दिखाऊं उसे पहचानो और उस पर चलो। सच झूठ का, सही और गलत का फर्क अब भी तुम नहीं जान रहे हो। बहुत सारे कपटी लोग तुम्हें घेरे हुए हैं, जो तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हें अपने लगते हैं। बहुत सारे अपने लोगों से तुम दूरी बना रखे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत मासूम हो। सच और झूठ के बीच फर्क करना सीखो। कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया, इसे पहचानना सीखो। मेरी अनुभूति यही है कि तुम अपने जीवन में जो भी ज्ञान अर्जन किए हो वह बस एक भाग मात्र है। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ शेष है। लंबा है सफर जिसमें तुम्हें अकेले चलना है। तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ है। डरना मत मेरे बच्चे, निर्भय होकर जीवन के इस पहिए को आगे बढ़ाओ। खुश रहो।